नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब सपने देखते हैं, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो हम उसकी खुशियां मनाते हैं। लेकिन बंद आंखों से देखे जाने वाले सपनों पर हमारा कोई बस नहीं होता। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिल को खुश कर जाते हैं और कुछ भय से आतंकित। अभी तो टांगी थी, कहाँ? भूषण, ये क्यों ली तुमने? खेल रहा था मैं। कपड़ों से नहीं खेलते, और खास तौर पे ना औरतों के कपड़ों से तो बिल्कुल नहीं खेलते। ठीक है, समझ गए ना? गुड बॉय। अच्छा चलो जाओ, अभी तुम्हारे पापा ढूंढ रहे होंगे ना तुम्हें। संध्या, मेरी चाय बनाई? अरे वो चाय ना नहीं बनाई, मतलब फिर से भूल गई। अपने लिए वीडियोस बनाना तो भूलती नहीं हो तुम। अच्छा ठीक है, मार्केट में जाओ, जो भी चाय पत्ती मिले लेकर आ। माँ, मैं फॉक्स कहाँ गए? हे भगवान, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। खड़ी हो, ये क्या है? बैठी उसी पर ढूंढ रही है। सॉरी संध्या। सुनो ना, अब तुम मार्केट जा ही रही हो तो आधे वक्त माँ के घुटने का तेल लेकर आना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ बाबूजी, हम सब ठीक है, आप आ रहे हो ना? नमस्ते भैया जी। नमस्ते, मैं महेंद्र जी की पत्नी हूँ। अच्छा, वो असल में मेरी सास के घुटनों के दर्द का तेल खत्म हो गया था, तो जरा जल्दी दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? सरप्राइज करती है, क्या है? इनसे मिलिए। छाया, ये हाय, ऐसा लग रहा है कोई हीरोइन आ गई घर पर। क्या दीदी? अरे सच में बहुत। तो दानी, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अच्छा जी जी, देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन आज तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। वैसे धर्मेश बड़ा नसीब वाला है जिसकी किस्मत में तुम, और एक हमारी किस्मत। जाने दो, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। चलो दानी, छोड़ दे दो तुम। हाँ। दीदी दीदी। हाँ, आप भी मेकओवर करवा लो, चीजों ना दीवाने हो जाएंगे आपके। आया तो वो तेरी बातें, चल छोड़ अब, तू ना अपनी सुना। तेरे पति ने क्या तारीफ की तुझे देख के? भाई हमेशा की तरह उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन रोनी, दीदी रोनी लड्डू हो गया मुझ पर। तो ये रोनी का चक्कर छोड़ और प्लीज अपनी शादी को एक मौका दे। ये सब करके मौका दिया ना, कुछ हुआ क्या? नहीं फिर दीदी, रोनी बाहर वेट कर रहा है, मुझे जाना है, आज हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो मैं चलूं? बाय। यार क्या वीडियो आई है यार, देखना यार। वो जानेमन, आज तो बहुत लेट कर दिया आने में तुम। अरे हाँ यार, कब से वेट कर रहे हैं इसका। हटो। आज 23 अक्टूबर रात 9 बजे आपके सामने पेश है नई हीरोइन अभिया। चंचलन, हमारी दीदी सल्ला। <आ. coughs>
मिशन सक्सेसफुल। धानी, धानी, ये क्या क्या हो गया? हाँ, धानी तू ऐसे भाग के क्यों आई? हाँ, लेकिन लड़कों ने मुझे रोका। मेरे साथ बदतमीजी की। वो बहुत गंदे माँ। वो मुझे फिर से तंग करेंगे। नहीं, नहीं, कोई तंग नहीं करेगा। हाँ, पुलिस स्टेशन जाकर उनकी कंप्लेन करेंगे ना, सारी अक्कल ठिकाने लग जाएगी उनकी। हाँ दीदी, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं मेरे एरिया के पार्षद से बात करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे। डोंट वरी, चल। अच्छा दीदी, मैं चलूं? अरे थोड़ी देर और रुक जाती ना। नहीं दीदी, रॉनी भी नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे आज ऑटो से ही जाना पड़ेगा। और ज्यादा देर कर दी तो इस एरिया में ऑटो भी नहीं मिलेगा, आपको पता है ना। तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है, संभाल कर जाना। जी दीदी। आज पहली बार ऐसा हुआ कौशल्या कि महेंद्र बसल्टे हम लोगों को लेने भी नहीं आया। अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, बच्चे सो रहे होंगे। दरवाजा क्यों खुला है? धानी, संध्या, धानी। सर मैं वही बदनसीब बाबू। आप यही रहते? नहीं सर, हम लोग उज्जैन से आए आज सुबह, और ये सब हो गया। और सुरात में हमने अपने बेटे बहू और पोती के बारे में एक बुरा सपना देखा था, इसलिए यहाँ पर आ गया। और जब यहाँ आए तो गेट खुला हुआ था, इधर हो जा तो खुला हुआ था। हमारा तो सब कुछ चला गया साहब। देखिए आप शांत हो जाइए, हिम्मत मत हारिए, अब जरा प्लीज बाहर लेके जाइए। किसी वैश्य दरिंदे का काम है ये। बहुत ही बेरहमी से मारा गया सबको सर। सर धानी और महेंद्र सर, इन दोनों का सेलफोन मिल गया, लेकिन संध्या का मोबाइल नहीं मिला सर। यही कहीं होगा, ठीक से ढूंढो। सर पूरा घर अच्छे से चेक किया सर, इन दो फोन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। घर से और कुछ गायब हुआ है? नहीं सर, घर में कोई चोरी नहीं हुई और ना ही कोई तोड़फोड़ की गई है सर। एक बात और सर, घर के किसी भी डोर से कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब ये कातिल जो कोई भी है वो जान पहचान वाला था, लेकिन कौन? फॉरेंसिक को बुलाओ और उनकी जांच पूरी हो जाने के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज। सर जीजू, क्या हो गया मेरे साथ? संध्या आपकी बहन थी? जी। क्या बता सकती कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या झगड़ा हुआ था? नहीं सर, उनके किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ठीक से याद करके बताइए। हाँ सर, कल शाम को 8:30 के आसपास ट्यूशन से लौटते हुए धानी को मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ रहे थे, बदतमीजी की थी, बहुत रो रही थी, बहुत डर गई थी रानी। अपने को संभालो।
समझ आशीष, दुश्मनी बेटी से थी, बाप से थी या माँ से थी, इन तीनों के जितने भी दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं मुझे सबसे मिलना है। सर मैंने मेल कर दिया और उसके हार्ड कॉपीज में आपको। सर दानी को जिन लड़कों ने छेड़ा था उनको कुछ पता नहीं चला। सबके मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो, कुछ ना कुछ तो लीड जरूर मिली। ये महेंद्र और दानी के मोबाइल से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। सर बैंक से महेंद्र की बॉस आई है। सर मेरा नाम ऋचा है, मैं बैंक गई तो पता चला आप महेंद्र के सबसे करीबी एसोसिएट से मिलना चाहते हैं। तो आप महेंद्र की सबसे करीबी एसोसिएट हैं? जी सर, महेंद्र की बॉस और अच्छी दोस्त भी। उसने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया था कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नॉर्मल दुश्मनी नहीं, ऐसी दुश्मनी जो नफरत की हदें पार कर जाए। नहीं सर, उसने ऐसी बात कभी भी नहीं की। वैसे उसकी अपनी बीवी के साथ कैसे संबंध थे? सर एक्चुअली वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वो उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। और प्रोफेशनल लेवल पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? क्योंकि हमने सुना है वो बैंक के डिफॉल्टर से लोन रिकवर करता था। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की जॉब में खतरा रहता ही है। हाल फिलहाल में उसने किससे रिकवरी की थी? परवेज, वो एक डिजाइनर है, विजयनगर के पास उसके रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। एक मिनट सर, ये रहा उसका कार्ड। सर मैं चलूं? ठीक है, थैंक यू। तुम जाके इस परवेज से मिल करा, शायद कोई लीड मिल जाए। सर सर सर, महेंद्र जी लोन रिकवर के लिए आए थे, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो वो चले गए। जितनी आसानी से तू बता रहा है उतनी आसानी से लोन रिकवरी एजेंट्स वापस चले जाते हैं? नहीं नहीं सर, लेकिन जब वो आए थे ना तो मैंने उनसे माफी मांगी, समय मांगा, रिक्वेस्ट की, तो मान गए और चले गए। सर मेरी असिस्टेंट से पूछ लीजिए, ये थी उस दिन। हाँ सर। ठीक है, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए थाने बुलाएंगे, चुपचाप आ जाना। क्या हुआ? हमने झूठ बोला, पुलिस को हम पर शक हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बात का डर? भोमपुरी आदि बुलाएगी मुझे? हाँ बुला ले। तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तीनों को किसी वजनदार चीज से मारा गया है, जैसे कि कोई बैट हो या हैमर हो, ऐसा कुछ। सर तीनों ने अंत तक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि स्ट्रगल के मार्क्स भी मिले हैं। एक और बात सर, संध्या और धानी के मरने से पहले और बाद भी रेप किया गया था। क्या? ये सर, और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अपराधी नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी का शिकार है। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो उसने मरने के बाद लाश के साथ भी। सैडिस्ट। अपराधी एक थे या एक से ज्यादा? नहीं सर, पोस्टमार्टम में तो एक ही आदमी का सीमन मिला है। आशीष, नेक्रोफिलिया से पीड़ित जितने भी लोग होते हैं वो सिक्समेनियक होते हैं, और अगर ये सिक्समेनियक है तो इसका रेड लाइट एरिया में आना जाना जरूर होगा। शहर के जितने भी रेड लाइट एरियाज है वहां जाके पता करो कि वहां किसी सैडिस्ट आदमी का आना जाना है या नहीं। लाशों के साथ सेक्स करना इनका स्वभाव होता है। शहर के जितने भी मुर्दा घर है वहां जाके पता करो कि वहां ऐसा कोई केस रजिस्टर हुआ है या नहीं। सर तू क्या कर रहा है? चल चल हट 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 चल चल। यहाँ इतना सब कुछ हो गया शर्मा जी, और आप कहाँ थे? आपको कुछ पता ही नहीं चला? मेरे बेटे को उसके मौसी के घर छोड़ने गया था, अब लौटा तो पता चला ये सब हो गया।
देखो ना दीदी, उस दरिंदे ने किस तरीके से नोचा है इसको। दिव्या, दीदी जल्दी इसको अस्पताल ले जाते हैं वरना ये मर जाएगी। चुप, हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। पुलिस के चक्कर में आ जाएगा तो अपना धंधा बंद हो जाएगा। तो फिर हम इसका इलाज ही करेंगे। मुझे मुझे सांप से मिलना है। क्या काम है? सांप से ही मिलना है, मैं उन्हीं को बताऊंगा। आने दो उसे, आइए। सांप सांप मेरा बेटा रंजीत कल रात से घर नहीं लौटा, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। काम क्या करता है? सांप वो एक ड्राइवर है। फोटो लाए? जी, ये लीजिए सांप। किसके यहाँ काम करता है? पुलिस इस वैश्याना बलात्कार और हत्या के मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर ही रही थी कि उनके सामने एक और केस आ गया। क्या रणधीर के लापता होने का इस केस से कोई संबंध था? ये रणधीर आपका ड्राइवर है क्या? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रणधीर मिसिंग है, उसके फादर ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। साहब मेरा बेटा रणधीर कल रात से घर नहीं लौटा, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। अब जानते हैं वो कहाँ है? नहीं, हमें भी नहीं पता। एक्चुअली परसों शाम से वो गायब है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई फोन कॉल भी नहीं लग रहा है उसका। प्लीज आप उसे ढूंढिए, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो तो हम ढूंढेंगे, लेकिन उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। रॉनी कहाँ है? मुझे क्या पता? देखो झूठ मत बोलो, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है, और तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकते ना। अगर ऐसा होता ना तो मैं 3 साल तक तुम्हें खुश नहीं होने देता, तुम्हारी खुशियों को मैं बहुत पहले कुचल देता। मेरी खुशी नहीं कुचल सके, इसलिए तुमने रॉनी को कुचल दिया। पर आज के बाद ऐसा बदतमीजी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रिपल मर्डर केस का और रणधीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो कैसे सर? क्राइम स्पॉट पे फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था, इसका मतलब विक्टिम कातिल को बहुत अच्छे से जानता था। वो शख्स रणधीर हो सकता है, क्योंकि वो छाया को लेकर अक्सर उनके घर जाता होगा। पर रणधीर ऐसा क्यों करेगा? मोटिव क्या है? और क्या छाया इसके बारे में जानती है? एक काम करो, कल सुबह छाया को पुलिस स्टेशन बुला लो। सर आप लोग कैसी बात कर रहे हैं सर? रॉनी रणधीर वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है और कई सालों से हमारे पास काम कर रहा है, वैसा कर ही नहीं सकता सर। I can understand, लेकिन सर आप मेरी बहन और उसके परिवार के कातिल तक पहुंच नहीं पाए तो रणधीर जैसे शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा रहे। वैसी बात नहीं है हम। सर प्लीज, रणधीर पे शक करने के बजाय आप कातिल को ढूंढिए तो बेहतर होगा। सर तो मैं चलूं? सर ये छाया तो रणधीर को लेके कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। हेलो, तुमने फोन किया था? हाँ सर मैंने किया था। कहाँ मिले बॉडी पार्ट? सर बॉडी पार्ट उधर है। आशीष एक ही बॉडी पार्ट नहीं होगा, और भी होंगे। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। सर तो रणधीर है, हम इसे सस्पेक्ट समझ रहे थे, लेकिन ये बेचारा खुद विक्टिम निकला।
मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, सॉरी, लेकिन मुझे इस तरह से आपके बेटे को आपको हैंड ओवर करना पड़ता है। हमें खबर लगने से पहले ही किसी ने इस तरह से उसे मार दिया था। रणधीर को बहुत समझाया सर कि इन बड़ी सोसाइटी वाली औरतों के चक्कर में ना पड़े, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी जान गंवा दी। क्या मतलब है आपका? हाँ सर, मैं रोनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? और शादीशुदा जिंदगी में प्यार मिले ये जरूरी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मुझे क्यों? आपकी बीवी का आपके ड्राइवर रणधीर के साथ अफेयर था, जो 3 दिन से गायब था। उसका मर्डर हुआ है और उसके डेड बॉडी के टुकड़े हमें मिले हैं। तो कहीं आप मुझ पे तो शक नहीं कर रहे? अगर आप मुझ पे शक कर रहे हो तो मत कीजिए। मेरी बीवी का मेरे ड्राइवर के साथ पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा है, मुझे पता है इस बात का। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे इन संबंधों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं रणधीर को क्यों मारूंगा? एंड प्लीज एक्सक्यूज अस, मेरी वाइफ ने अपने प्रेमी को खोया है, इसे इसका मातम तो मनाने दीजिए। प्लीज लीव अस अलोन। हेलो, हाँ अब जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है सब सच सच बताना शुरू कर दो। सर हमने कुछ नहीं किया है सर। झूठ मत बोलो। तुम लोगों की धानी पर गंदी नजर थी, उसे छेड़ते थे, उसका पीछा करते थे, उसे छूने की कोशिश करते थे। हम मानते हैं सर कि हमने उसको छेड़ा। सरे, छूने से दिल नहीं भरा तो उसके घर पर जाकर उसका रेप कर दिया, उसके बाप को मारा, उसकी माँ को मारकर उसके साथ भी रेप किया तुम लोगों ने। नहीं 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 साहब, ना ही हम उसके घर पे गए थे, ना हमने रेप किया, ना मर्डर किया सब, बल्कि उस वक्त हम अपने घर पे थे साहब। हाँ साहब, हम सही बोल रहे साहब। और साहब हम भागे थे, लेकिन साहब अगले दिन जैसे हमें खबर मिली, और साहब क्योंकि सब हम डर गए थे कि आप लोग हमें पकड़ लोगे साहब। पकड़ तो तुम वैसे भी जाते थे, ठीक है, तुम्हें सच नहीं बोलना है ना, कोई बात नहीं। आशीष, इन तीनों के DNA सैंपल टेस्ट के लिए भेज दो और शुरू हो जाओ। रोटी रोटी रोटी। अबे हमारे यहाँ पान मिलता है, रोटी नहीं। रोटी, ये तुझे कहाँ मिला? साहब इस संध्या भाभी बहुत दया करती थी, रोज खाना खिलाती थी, अब वो है नहीं। ये मेरे पास आया था और संध्या भाभी के मोबाइल के बदले रोटी मांग रहा था। तुम्हें कैसे पता ये संध्या का मोबाइल है? क्योंकि संध्या भाभी हमारे ही दुकान पर रिचार्ज करवाती थी सर, अपना साइड बिजनेस है सर। इस मोबाइल में जितना भी डेटा मिलता है सब रिट्राइव करो और पता करो इसे ये फोन कहाँ मिला था। और हाँ, सख्ती बिल्कुल नहीं। सो हेलो सर। आप सर, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। आइए अंदर। सर एक्चुअली महेंद्र ने 23 अक्टूबर की शाम को मुझे एक मेल किया था जो मैंने आज चेक किया। क्या था मेल में? सर उसका और परवेज का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि परवेज ने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी थी। सर आप लोग, परवेज तुझे पता है ना पुलिस से झूठ बोलने की सजा क्या होती है? तूने कहा था महेंद्र के साथ तेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर? सर मैंने सच ही बोला था। झूठ बोलता है? हमारे पुलिस स्टेशन में कुम्मल कुटाई बहुत फेमस है, तो वैसे भी इंदौर में ठंड पड़ने वाली है, हड्डियां ऐसी दुखेंगी ना तुझे ना नहीं याद आ जाएगी। बताता हूँ सर, उस दिन जब महेंद्र शॉप में आया था तब ये लैपटॉप बैंक आकर ले जाना। महेंद्र रुक जा, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? जानता नहीं मैं कौन हूँ, एक झटके में तुझे और तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जो करना है कर ले, चल। सर वो सिर्फ कोई धमकी थी उसे डराने के लिए। डराने का बहुत शौक है ना तुझे? सर
परवेज से मुझे बहुत डर लगता है। वो एक सैडिस्ट है। फिजिकल रिलेशन के टाइम पर भी वो बहुत वायलेंट हो जाता है। लेकिन मैंने महेंद्र की बेटी और उसके वाइफ के साथ रेप नहीं किया सर। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, चल तू थाने चल। सर 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 ट्रस्ट मी सर, मैंने महेंद्र की बेटी और वाइफ का रेप और मर्डर नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ मैं। तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये तो तेरे डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। सर प्लीज प्लीज सर। सर फोन का डेटा रिकवर हो गया है। नहीं सर। चंचलन हमारी टीमी संजारी भी है। धानी आई, उसने शिकायत की। महेंद्र और धानी चले गए, छाया चली गई, संध्या चली गई, फोन वहीं छोड़ कर गए, रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गए, डोरबेल बजी, उसने महेंद्र पर वार किया। कैमरे का एंगल कैसे चेंज हो गया? शायद वहां हाथापाई हुई होगी। महेंद्र ये संध्या आई, क्या किया तुमने? संध्या को मारा। संध्या के अलावा और भी आवाज है, ये आवाज कातिल की आवाज है। दादी को छोड़ दो। अग्नि ने बच्ची को भी नहीं छोड़ा। महेंद्र पे फिर वार किया। ये रहा मर्डर वेपन हैमर, इसी हैमर से इसने तीनों को मारा है। इस हैमर का स्क्रीनशॉट लो और ऐसा हैमर कहां कहां मिलता है ये पता करो। लेकिन सर इस वीडियो में सिर्फ वॉइस सैंपल ही है। इस वॉइस सैंपल को एक्सपर्ट के पास भेज दो और हमारे जितने भी सस्पेक्ट है उनके एक्चुअल वॉइस से मैच करो। राइट सर। एक और बात, संध्या के मोबाइल से हमें इस वीडियो के अलावा कुछ और वीडियोस भी मिले हैं। तो सारे वीडियोस मुझे सेंड करो, मैं हर एक वीडियो देखूंगा। और ये वॉइस सैंपल हमारे खबरियों के पास भी भेज दो। अगर इस वॉइस से मिलती जुलती किसी की भी आवाज मिलती है उठाकर लेकर आओ। सर सर तुम्हारा और संध्या का क्या रिश्ता था? सर आपको पता तो है कि मेरी वाइफ की बड़ी बहन थी। सिर्फ बड़ी बहन थी तो तुम्हारा पहला प्यार? अगर धर्मेश छाया को अपना लेते और मुझे भुला देते तो छाया इतनी दुखी नहीं होती। सर हम एक दूसरे प्यार करते थे। तो शादी क्यों नहीं की? सर वही जात बिरादरी, उसको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना था और इसीलिए उसने उस लूजर महेंद्र से शादी कर ली। अगर बात जात बिरादरी की थी तो उसी की छोटी बहन से कैसे शादी कर ली? सर क्योंकि छाया बेवकूफ थी, मेरे फसाए जाल में फंस गई, अपने पेरेंट्स के घर जाके उसने मुझसे शादी कर ली। तो ऐसा करके तुम संध्या को पाने में कामयाब हुए? कहाँ सर, संध्या तो मुझे हमेशा इग्नोर ही करती रहती थी। इनफैक्ट मुझे वो उल्टा रिश्तों की अहमियत समझाने लग गई। धर्मेश रिश्तों की अहमियत को समझो, मैं अब महेंद्र की पत्नी हूँ और तुम मेरी बहन छाया के पति हो, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। बस इसके बाद हमारे बीच में दूरियां बढ़ती गई, हमारे रास्ते अलग होते गए। संध्या मुझसे दूर होती गई, मैं छाया से दूर होता गया और इन्हीं बढ़ती दूरियों के बीच में छाया ने हमारे ड्राइवर रणधीर के साथ रिलेशन बना लिया। इसके लिए तुम्हें कोई एतराज नहीं था? राइट सर, क्योंकि मैं संध्या के रहते छाया से दूर रहना चाहता था इसलिए मैंने रणधीर को उसके पास आने दिया। संध्या पर गुस्सा तो तुम्हें जरूर आया होगा ना, और उसी गुस्से में आकर तुमने संध्या और उसके परिवार को मार डाला। सर जिसके प्यार को मैं अपने दिल से नहीं मार सका मैं उसको क्या मारूंगा? जो प्यार करने वाले होते हैं ना वो अपनी प्रेमिका की बहन को फंसाकर उससे शादी नहीं करते। तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो, समझे? इसका डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो। रेड लाइट एरिया और मुर्दाघर से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। हाँ भाई बोलो। वो ताकत की दवाई? ये रही दवाई, ये लो और अपनी बीवी को जाके खुश करो।
क्या बात है, आज तो आप बड़े बदले बदले लग रहे हो। अरे 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 बाहर कैसे आ गया? संध्या भाभी भाभी जाते जाते चुप 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 सर, शर्मा जी का खैर। खोलो इसे सर। सर इसको बचाने के लिए मैंने सबसे झूठ कहा, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और महेंद्र हमारे पड़ोसी थे और इसका उनके घर आना जाना था, सभी इसी के ऊपर शक करते, इसलिए पानी पानी। नाम क्या है तुम्हारा? भूषण। भूषण, पड़ोस में जो संध्या भाभी। अच्छी, बहुत अच्छी, गुड बॉय बोलती थी। दानी भी अच्छी, मुझे जाना है उनके पास। हाँ, अभी तुम आराम करो, फिर हम जाएंगे, ठीक है? अब इसे बांध कर मत रख, हमारा शक नहीं है इस पर। लेकिन सर, आशीष हम सॉरी सर, बट भूषण पे शक ना करने की वजह जान सकता हूं? मेरा तजुर्बा। क्यों, मेरे तजुर्बे पे शक है तुम्हें? नॉट एट ऑल सर। दिव्या क्या है? काफी दिनों से आ रहा हूँ, दिव्या दिख नहीं रही है और आप मिलने भी नहीं देते, बताए ना। दिव्या क्या है? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? क्या दिव्या दिव्या लगा रखा है? वो कहीं भी हो तुझसे मतलब? चलना मेरे साथ, चलना। चल रहा है? नहीं। चल निकल यहाँ से। क्या है ये? हेलो दिव्या, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर उस दिन हमेशा की तरह एक क्लाइंट आया सर, वो बहुत अजीब था सर, जानवर जैसा था सर। तुम उस आदमी का स्केच बनवा सकती हो? जी सर। इसकी कॉपीज हर खबरी के पास पहुंच जानी चाहिए और उनसे कह दो कि मुझे आज के आज रिजल्ट चाहिए। सर इसे जानते हो? अरे ये तो सूरज है, आयुर्वेदिक दवा वाला, कभी कभी आता अपनी वैन लेके। इसकी वैन का नंबर याद है या इसका मोबाइल नंबर? वैन का नंबर तो नहीं पता, लेकिन फोन नंबर मुझे पता है। ये ससुरा आता हमारी दुकान पे रिचार्ज करवाने। इसका मोबाइल नंबर दो हमको। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सेक्स वर्कर पर अत्याचार करने वाले सूरज का पता लगाया, लेकिन ये सूरज अनदेखे और अनजाने अंधेरों में गुम हो गया था। इस वक्त वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। और क्या रणधीर के मर्डर के पीछे भी सूरज का हाथ था या फिर किसी और का? इससे पहले कि सूरज किसी और को अपना शिकार बनाए, इंदौर पुलिस के लिए हर हाल में सूरज को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया था। क्या ऐसे वैश्य अपराधी सूरज को पुलिस पकड़ पाएगी? शर्माना छोड़ और ये बता कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई। क्या हुआ? वो जो ग्रीन साड़ी में जा रही है ना, वो मेरी बीवी है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मर्दान की गराज तुम्हारा चूरन है। भाई तो ऐसा कर, तूने दो महीने की दवाई इकट्ठी लेके चला जा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे पैसे का क्या है, जितने उतने दे दे, बाकी बाद में देखा जाए, ठीक है? खुश रहे। इंदौर से गुजरने वाली एबी रोड पर तीन जगह पर हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें से इंदौर की बॉर्डर खत्म होने के पहले हमें रणधीर का सिर मिला था यहाँ। मतलब अपराधी या तो इंदौर से देवास की तरफ जा रहा था या फिर मऊ की तरफ आ रहा था। हमें बॉडी पार्ट्स देवास की तरफ जाने वाले साइड पे मिले थे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब वो देवास की तरफ ही जा रहा है। सर आपको लगता है सूरज का मामला और रणधीर की हत्या का टुकड़े फेंकने के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आशीष
सूरज की स्केच तुमने हर चेक पोस्ट पर भेज दी थी ना? जी सर। वहां से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। सूरज के जैसी एक वैन ने 2 दिन पहले देवास नाके को क्रॉस किया था। मतलब वो कंफर्म देवास गया है, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। चलो मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, लेकिन तुम सो मत जाना। आज रात हम दोनों मिलके दरवाजा खुला रखना। फोन या गाड़ी के लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर उस गाड़ी की लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन उसका फोन अभी देवास में ही एक्टिवेट है। मुझे देवास के लोकल पुलिस की मदद लगेगी। सर हम वहाँ के SP को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम उस फोन की लाइव लोकेशन आपको सेंड करते हैं। थैंक यू। और कितना मिनट? सर 20 मिनट। सर लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है, लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा। लास्ट लोकेशन क्या था? बस स्टॉप के पास। बस स्टॉप के पास देवास पुलिस पहुंच गए? जी सर। देवास पुलिस को इन्फॉर्म करो, देवास से बाहर जाने वाली सभी चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। सर जय हिंद सर। फॉलो करो। ओके सर। यहाँ क्या कर रहा है? जानवी को जानता है? मैं इनका पेशेंट हूँ, मैदाना ताकत की दवाई लेता था इनसे। दोनों ऊपर, बाकी सब अंदर। पीछे गोली मार दूंगा। पीछे सर, पीछे देख। एक अपने आप को सरेंडर कर दे। पीछे पीछे मैं मार दूंगा। सच में सब में सब में मार ना तुझे, मार दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं करूंगा मैं। ये देख, कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दे। इसे संभालो। What? बोल क्यों किया ये सब? बोल क्यों किया? साहब अपनी लत की वजह से मैं अपने ऊपर ना कंट्रोल नहीं रहता, सब पागल हो जाता हूं मैं। तेरे लत के बारे में हम सब जानते हैं, फिर रणधीर को क्यों मारा तूने? मेरी उसकी मैडम पर भी निगाह थी। अरे थोड़ी सी पूछताछ की साहब, उसने मेरा
गिरेबान पकड़ लिया, फिर क्या? मुझे काट दिया और फेंक दिया। पर संध्या, संध्या और उसके परिवार को क्यों मारा? मेरी उसके ऊपर बहुत बड़े से निगाह थी, लेकिन जब वो उस दिन मेरी दुकान पर आई ना अपने सासू माँ की दवाई लेने, बस साहब तभी मैंने सोच लिया अब की बार उसकी ही बारी। साथ में उसके घर भी गया, करवासा उसके पतलून को। मेरा दिमाग घूम गया साहब, मैंने भाई उसको घुमा के दिया। वो मैडम भाग कर है, मैंने उसको पहले मारा, फिर उसकी लड़की भी आई, और फिर मैंने उसके साथ भी वही किया जो उसकी माँ के साथ किया था। दिल तो करता है कि तेरी चमड़ी खींच कर तेरे टुकड़े कर दूं। कानून ने मेरे हाथ बांध कर रखे, इस दरिंदे के खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाओ इसे फांसी होनी चाहिए। सूरज के भोले चेहरे के पीछे इतना भयानक और इतना वैशी चेहरा छिपा होगा इसकी किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन अपनी सूझबूझ और चतुराई से इंदौर पुलिस ने सूरज को ना सिर्फ एक और रेप और मर्डर करने से रोका, बल्कि भोली चंदा की जान और आबरू दोनों बचाई। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने सूरज को अदालत में पेश किया और उसे कानून से कड़ी सजा दिलवाई। अगर सूरज पुलिस के हाथ ना लगता तो वह ना जाने और कितने मासूमों पर अत्याचार करता, उनकी जान लेता। याद रखें, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।